hello children in this video you will get to know what is immersive experience what are the elements of immersion okay and you will also get to know about virtual reality and augmented reality okay so let us start with what is immersive experience immersive experience kya hota hai? and immersive experience refers to the illusionary environment. मेड पॉसिबल टू टेक्नोलॉजी तो इमरसिव एक्सपीरियंस क्या है ये एक ऐसा एनवायरमेंट है एक ऐसा एल्यूजन है जो किसकी हेल्प से बनाया जाता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया जाता है एनहेंसिंग एवरीडे लाइफ बाई मेकिंग इट मोर एंगेजिंग और सेटिस्फाइंग मीन्स इमरसिव एक्सपीरियंस मीन्स आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि क्या होता है एल्यूजनरी होता है ओके okay, वो रियलिटी में नहीं होता बट यू फील लाइक कि आप उस इमेजनरी वर्ल्ड में चले गए हैं right? राइट तो वो किसकी हेल्प से क्रिएट uh, होता है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्रिएट होता है फाइन एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस एंड इंटरन इमर्जन आप इसको इमर्जन भी बोल सकते हो इज द परसेप्शन ऑफ बींग परसेप्शन क्या होता है आपको आपका एक ऐसा ओपिनियन बन जाता है ओके okay? आपकी थिंकिंग बन जाती है ऑफ बीइंग फिजिकली प्रेजेंट इन अ नॉन फिजिकल वर्ल्ड मींस आप कहाँ पे चले जाते हो एक नॉन फिजिकल वर्ल्ड में चले जाते हो जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है फाइन ओके okay? जैसे आप थ्री डी मूवीज देखते हो तो वट यू फील लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप उसके अंदर ही अगर फॉरेस्ट दिखा रहे हैं कोई भी एनवायरमेंट दिखा रहे हैं तो आपको लगता है आप वहाँ पे प्रेजेंट हो राइट right? तो यहाँ पे क्या है इमर्जिव एक्सपीरियंस ऐसे एक्सपीरियंस है जहां पे आपकी थिंकिंग बन जाती है आपका एक परसेप्शन एक बन जाता है कि आप एक कहाँ पे प्रेजेंट हो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट हो फाइन एन इमरजिव एक्सपीरियंस इज द परसेप्शन ऑफ बींग इन वन प्लेस वेन यू आर एक्चुअली इन अनदर आपको क्या परसेप्शन होता है कि आप किसी दूसरे प्लेस पर चले गए हो राइट right? लेकिन आप क्या होते हैं आप अपनी एक्चुअल प्लेस पर प्रेजेंट हो लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है कि आप कहीं और चले गए हो जैसे आप कोई स्पेस uh, की मूवी देख रहे हो थ्री डी स्पेस मूवी देख रहे हो तो आपको कैसा फील होगा कि आप स्पेस में ट्रेवल कर रहे हो फाइन लेकिन एक्चुअली में आप नहीं कर रहे हो लेकिन क्या है यू आर फीलिंग दिस बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस फाइन इट इज असेंशियली सस्पेंशन ऑफ द रियलिटी इवन इफ जस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स यहाँ पे क्या है रियलिटी क्या होता है थोड़ी देर के लिए रुक जाती है राइट right? जब आप इमरजिव एक्सपीरियंस करते हो तो रियलिटी क्या होती है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है और आप कहाँ चले जाते हो इमेजनरी वर्ल्ड में चले जाते हो फाइन इमर्सिव एक्सपीरियंस कैन बी अचीव थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी और भी होते हैं इसके टाइप्स तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी फ़ाइन कि हम कैसे ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू इमर्सिव एक्सपीरियंस को uh, क्या कर सकते हैं एक्सपीरियस uh, उसको uh, हम uh, uh, फेस कर सकते हैं फाइन नाउ वी हैव एलिमेंट्स ऑफ इमर्जन जो आपकी इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है उसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है राइट इमर्जन रिलाईज ऑन द यूज ऑफ योर ऑफ आर सेंसेस मतलब ये किस पे डिपेंड करता है इमर्जन हमारे सेंसेस पे डिपेंड करता है स्पेशली थ्री ऑफ देम साइट साउंड एंड टच ओके तो मतलब इन जो हमारी साइट है हमारी जो हम देख रहे हैं हम जो साउंड सुन रहे हैं और टच जो हम फील कर रहे हैं इन तीनों पे क्या करता है इमर्जिव एक्सपीरियंस रिलाई करता है राइट right?

हेडसेट टू एनहेंस इट टू फोकस द व्यूअर्स अटेंशन अब यहाँ पे क्या होता है जब हम कोई भी थ्री डी मूवी देख रहे हैं या कुछ भी हम वीडियो गेम खेल रहे हैं तो क्या होता है हम हेडसेट्स का यूज करते हैं ठीक है आप हेडसेट्स का यूज करते हो और उसको आप हेड पे लगाते हो उससे क्या होता है आपकी जो आइज है ठीक है आइस का क्या होता है पूरा का पूरा, पूरा कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर मूवी के ऊपर होता है फाइन आपकी जो पेरिफेरल विजन होता है मतलब आप आसपास नहीं कहीं देख सकते हो आप सिर्फ डायरेक्टली सामने देख सकते हो पेरीफेनल विजन को रोक दिया जाता है मतलब यू कैन नॉट सी हेयर एंड देयर लाइक दिस आपका जो कंप्लीट फोकस कहाँ होता है uh, उस पर्टिकुलर मूवी पे होता है या जहाँ जो भी आप गेम वगैरह खेल रहे हो सी डी गेम्स खेल रहे हो उस पर होता है ठीक है टू फोकस द दियर अटेंशन ऑन वॉट इज हैपनिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दैम तो आपका पूरा फोकस कहाँ होता है जो आपके सामने हो रहा है फाइन ऑगमेंटेड रियलिटी मेक्स यूज ऑफ द हेडसेट्स और स्मार्टफोन डिस्प्लेस टू एड वर्चुअल एलिमेंट्स टू द रियल वर्ल्ड

देन साउंड वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स इंक्लूड साउंडिंग ओके हेडफोन्स डेट फोर्स दियर टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड अब क्या होता है ये जो हैडसेट्स जो आप पहनते हो वो क्या होते हैं साउंड डैम्पनिंग साउंड डैम्पनिंग मतलब जो बाहर के साउंड है ना उसको कंप्लीटली रोक देता है आपको सिर्फ कौन सी साउंड्स सुनाई देंगी जो उस मूवी में उस गेम में जो भी इमर्स इमर्सिव इमाज़, एक्सपीरियंस आप ले रहे हो वहां पे यूज किया जा रहा है ठीक है सिर्फ वही साउंड्स आपको सुनाई देंगी बाहर की सारी की सारी साउंड क्या हो जाएंगी आ, 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 उसको रोक दिया जाएगा ओके उसको द, डैम कर दिया जाएगा ओके 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 टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ द वर्चुअल वर्ड जिससे आपका जो फोकस uh, है वो सिर्फ वर्चुअल वर्ड के साउंड पे हो ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोवाइड साउंडवर इज टेकिंग प्लेस ऑन द स्क्रीन ओके आपको सिर्फ कौन सी साउंड नहीं देंगी जो स्क्रीन पे चल रहा है सिर्फ उसकी साउंड देन टच एसेसरीज फॉर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स कैन प्रोवाइड हेप्टिक फीडबैक फॉर द व्ययर अब यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक क्या होता है इट इज द यूज ऑफ टच टू कम्युनिकेट विद द यूजर्स लाइक जैसे वाइब्रेशंस हो गई रंबल साउंड्स हो गई फाइन ओके okay? जैसे आपको टच uh, फील uh, uh, हो कि यू आर ऑन द सेम प्लेस अदर एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ टच इंक्लूड वाइब्रेशंस रंबल्स व्हेन एन आइटम इज़ पिक्डअ अप कोई आइटम उठाते हो और इंपैक्ट इज़ मेड विद समथिंग इन द वर्चुअल वर्ल्ड या फिर कुछ भी होता है उसकी साउंड क्रिएट करना ओके ऑगमेंटेड रियलिटी रियली यूज टच टू इंक्रीज इमर्सन ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो टच का थोड़ा कम यूज़ करता है यहाँ जो वर्चुअल रियलिटी uh, है वो टच का ज्यादा यूज करता है राइट ऑल ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू क्रिएट एंड इमरजिव एक्सपीरियंस इन सारे एलिमेंट्स को कम्बाइंड करके ही आपको इमर्जिव एक्सपीरियंस कराया जाता है ओके बट अ लार्ज पार्ट ऑफ टू इमरजन रिलाइज ऑन अ सस्पेंशन ऑफ डिस बिलीफ एंड विलिंगनेस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए वो आपको क्या है आपका खुद का कंसनट्रेशन चाहिए कि आप खुद चाहो कि हाँ मैं इसको फील करूँ फाइन नहीं तो आप हेडसेट पहन लो कुछ भी आपकी वाइब्रेशंस हो अगर आपको पता है कि हाँ ये तो इमेजरी uh, वर्ल्ड है ये ये रियल नहीं है ओके okay, तो क्या है आप उसको एन्जॉय नहीं कर सकते फाइन आप उसमें कंप्लीटली अपने आप को नहीं डाल सकते फाइन तो इसके लिए क्या है सबसे पहले आपका बिलीफ होना चाहिए कि और आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए उस एक्सपीरियंस को एन्जॉय करने की उस एक्सपीरियंस को लेने की फाइन ओके नाउ वर्च इमर्सिव एक्सपीरियंस आप किस किस तरीके से फे, uh, फेस कर सकते हैं फर्स्ट वी हैव द वर्चुअल रियलिटी विद वर्चुअल रियलिटी अ यूज़र इज कम्प्लीटली शट आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल बीइंग साउंडेड बाय कंटेंट क्या करते हैं वर्चुअल रियलिटी में क्या करते हैं यूजर को जो बाहरी दुनिया होती है उसे बिल्कुल अलग कर देते हैं ओके okay. उसको उसको चारों तरफ से किससे सराउंडेड uh, उसको किससे uh, आप यूज़र uh, को चारों तरफ से घेर लेते हो वर्चुअल uh, uh, जो वर्ल्ड आप क्रिएट कर रहे हो उसके ऑब्जेक्ट से फाइन यूजिंग अ वर्चुअल रियलिटी डिवाइस यूजर एक्सपीरियंस बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू रियल एंड इमेजिन वर्ल्ड एज इफ दे आर रियली देयर ठीक है वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है यूजर को इस तरीके का एक्सपीरियंस किया जाता है कि उसको रियल वर्ल्ड से इमेजिन इमेजनी वर्ल्ड में ले जाया गया है और इमेजनी uh, वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ले जाया गया है जैसे कि वो जैसे कि जो इमेजनी वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट uh, करता है फाइन तो वर्चुअल रियलिटी में क्या है कंप्लीटली यूजर को या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उस एनवायरनमेंट में ऐसे उसको एक्सपीरियंस कराया जाता है कि उसको ऐसा ही फील होता है कि वो, वो वहां पे प्रेजेंट है फाइन examples includes google ca cardboard or the virtual reality device with for windows virtual reality इज अम्युलेटेड सी डी एनवायरमेंट डेट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद द वर्चुअल सराउंडिंग इन अ वे डेट अप्रोक्सीमेट रियलिटी तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे गूगल कार्डबोर्ड का यूज किया जाता है फाइन उससे क्या होता है जब आप कोई भी वीडियो या कुछ भी देखते हो तो आपको कैसे लगता है आपको ऐसा लगता है कि आप उस प्लेस पर पहुँच गए हो फाइन ओके नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी डिवाइस फॉर विंडोज वर्चुअल रियलिटी विंडोज़ की भी वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस हैं ओके थ्री डी जो क्या प्रोवाइड करते हैं थ्री डी एन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं डेट इनेबल्स यूजर टू एक्सप्लोर जो यूजर को इनेबल करता है टू एक्सप्लोर करने के लिए इंटरेक्ट विद द वर्चुअल सराउंडिंग वर्चुअल सराउंडिंग से इंटरेक्ट करने के लिए इन अ वे डैट अप्रोक्सीमेट रियलिटी जैसे कि वो रियल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है

ओके okay, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको डिवाइसेस पहनने होते हैं जैसे हेलमेट्स पहनने होते हैं गॉगल्स पहनने होते हैं टू इंटरेट विद द एनवायरनमेंट फाइन द मोर डीपली यूजर कैन इमर्स दैम सेल्फ इन अ वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट एंड ब्लॉक आउट देयर फिजिकल सराउंडिंग जितना ज़्यादा वो अपने आप को उसमें क्या कर देंगे अपने आप को उसमें डाल देंगे और फिजिकल सराउंडिंग से अपने को कट ऑफ कर देंगे द मोर दे आर एबल टू सस्पेंड देयर बिलीफ एंड एक्सेप्ट इट एज अ रियल उतना ही ज्यादा उनको क्या लगेगा वो रियल लगेगा में क्या होता है? ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि यूजर को लगे वो उस इमेजरी वर्ल्ड में ही है फाइन लेकिन यहाँ पे यूजर का बिलीव होना और उसकी विलिंगनेस भी जोड़ी है उस इमेजरी एनवायरमेंट को एंजॉय करने के लिए या उसमें जाने के लिए फाइन ओके okay, यहाँ पे एक पिक्चर है वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल एनवायरमेंट वेयर पीपल कैन डू थिंग्स एंड इंटरेक्ट इन दैट एनवायरमेंट यूजिंग मोबाइल डिवाइसेज सचेज वीआर ग्लासेज देखो यहाँ पे ग्लासेस पहने हुए हैं उसके थ्रू उसकी हेल्प से क्या ये एक वर्चुअल एनवायरमेंट को एंजॉय करें ओके okay? नाव वी हैव ऑगमेंटेड रियलिटी अभी हमने क्या किया था वर्चुअल रियलिटी uh, किया था जिसके अंदर क्या था यूजर को कम्प्लीटली फिजिकल वर्ड से कट uh, ऑफ कर देते हैं और उसको ऐसा फील कराते हैं कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में फाइन नाव वी हैव ऑगमेंटेड रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी यूजेज द एग्जिस्टिंग रियल वर्ल्ड एन्वायरमेंट एंड पुट वर्चुअल इन्फॉर्मेशन तो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट को ही यूज किया जाएगा एंड पुट्स वर्चुअल इन्फॉर्मेशन और इवन अ वर्चुअल वर्ल्ड ऑन द टॉप ऑफ इट टू एनहेंस द एक्सपीरियंस लेकिन एक वर्चुअल एनवायरमेंट को क्रिएट किया जाएगा रियल वर्ल्ड के ऊपर फाइन इसके कैसे आप समझोगे फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ पॉकेमिन पॉकेमोन गो वे यूजर्स आर सर्चिंग इन दियर रियल लाइफ नेबरहुड फॉर एनिमेटेड करेक्टर्स डेट पॉप अप ऑन देयर फोन्स और टैबलेट तो यहाँ पे एक गेम है जैसे ठीक है वहाँ पे क्या है जो यूजर्स हैं वो जो उनका रियल एनवायरनमेंट है उस उस उसमें ढूंढेंगे किसको ढूंढेंगे एक जो करेक्टर अपीयर uh, हो रहा है उनके फोन पर फिर से देखो थिंक ऑफ पोकेमेन गो वेर यूजर्स आर सर्चिंग इन देयर रियल लाइफ नेबरहूड्स फॉर द एनिमेटेड करेक्टर्स डेट पॉप अप ऑन देअर फोन और टेबलेट तो उनको कहाँ ढूंढना है अपने रियल एनवायरमेंट में ढूंढना है किसको एक एनिमेटेड करेक्टर को जो कहाँ पे आ रहा है उनके फोन के ऊपर अपीयर हो रहा है फाइन तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया रियल वर्ल्ड का प्लस वर्चुअल इमेज का फाइन ऑगमेंटेड रियलिटी इज द इंट्रेक्शन ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन विद द यूजर्स एनवायरमेंट इन रियल टाइम दैट आई हैव टोल्ड यू ये दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ये नहीं है कि यूजर को कम्प्लीटली कट ऑफ करके फिजिकल रियल एनवायरमेंट से कम्पलीटली कट ऑफ किया जाएगा यहाँ पे क्या है दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया रियल वर्ल्ड का प्लस आपका इमेज वर्ल्ड uh, का फाइन अनलाइक वर्चुअल रियलिटी विच क्रिएट्स अ टोटली आर्टिफिशियल एनवायरमेंट जेट ठीक है ये क्या कह रहा है वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है टोटली totally एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट किया जाता है लेकिन ए में क्या है एआरस एक्सपीरियंस अ रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट विद जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर ऑन टॉप ऑफ इट तो ये क्या कह रहा है ए आर में ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट को के ऊपर एक वर्चुअल एनवायरमेंट को क्रिएट किया जाता है फाइन ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ यूज टू आयदर विजली चेंज नेचुरल एलिमेंट्स इन सम वे और टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स तो ऑगमेंटिड रियलिटी का क्या ऑगमेंटेड जो रियलिटी है उसका क्या यूज है इज़ यूज टू आयदर विजुअली चेंज नैचुरल जो आपका एक नेचुरल एनवायरमेंट है उसका उसको विजुअली मतलब उसको चेंज कर देना मतलब उस जैसे फिल्टर्स लगा देते हैं तो क्या होता है रियल चीज़ के ऊपर आप फिल्टर्स लगा रहे हो उसको अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर रहे हो ओके इन सम वे और टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर आप एक चीज़ की एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो फाइन द डिवाइस सपोर्टिंग द एयर फीचर यूज इज द लेंस टू स्कैन द ऑब्जेक्ट ऑन विच द डिजिटल इम्प्रेशन इज टू बी क्रिएटेड जो ए जो डिवाइस ऑर्गमेंट रियलिटी को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं वो क्या किसका यूज करते हैं लेंसेज का यूज करते हैं टू स्कैन द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करने के लिए ऑन विच द डिजिटल इज़ टू बी क्रिएटेड जहां पे उन्हें क्या करना है वर्चुअल एनवायरमेंट क्रिएट करना है ठीक है पहले क्या जैसे आपने क्या किया पहले फोटो आपने एक फोटोग्राफ ली ठीक है तो क्या होगा वो स्कैन लेंस के थ्रू स्कैन होगी फिर उस पर आप फिल्टर्स लगा सकते हो ओके तो यहाँ पे क्या है रियल के ऊपर आपने वर्चुअल इम्पोज किया है फाइन द एल्गोरिथम एंड द सॉफ्टवेयर अध्ययन मीजर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे एल्गोरिथम कुछ एल्गोरिथम सेट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर क्या करता है रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस uh, क्या करता है चेक uh, uh, करता है मीजर करता है फाइन फाइनली द ऑब्जेक्ट इज डिजिटली प्लेस्ड ओवर इट और उसके एक रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाता है Augmented reality is is in fact an, an enhancement version of the real physical world. That I have told you, augmented reality mein kya hai jo real physical world है उसको uska enha enhancement kiya jata hai fine usko enhance kiya jata hai जैसे अब मैंने एक example दिया pictures का आपको अपनी real picture को enhance करना है तो आप उसके ऊपर virtual filters लगाओगे fine now here we have some examples of augmented reality स्नैपचैट स्नैपचैट क्या है स्नैपचैट इज अ पॉपुलर अमेरिकन मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप वी ऑल वी नो इट वेरी वेल ठीक है ये क्या है एक ऐप है इट इज़ इट इज़ फुल ऑफ ट्रेंडी एंड कैची फिल्टर्स में बहुत सारे ट्रेंडी और कैची फिल्टर्स होते हैं एप्लीकेशन लाइक स्नैपचैट फॉलो अ बेसिक प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग दीज फिल्टर्स ऑन द यूजर्स फेस ठीक है आप सब uh, बच्चे यूज करते हैं इसको क्या होता है आपके फेस के ऊपर फिल्टर्स आ जाते हैं फर्स्टली द फेस इज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल

रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तो ये फिल्टर्स क्या लगते हैं बहुत ही रियल लगते हैं किसकी हेल्प से ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ओके नेक्स्ट एग्जांपल फोटोग्राफी एंड एडिटिंग देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द इंटरनेट डेट शो परमानेंट बॉडी टैटूज टू बी मूविंग एंड चेंजिंग कलर्स आपने वीडियोस देखी होगी जहाँ पे क्या होता है आपके जो बॉडी के टैटूज होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कलर चेंज कर रहे होते हैं मूव कर रहे होते हैं फाइन दीज वीडियोज आर क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी तो किसकी हेल्प से क्रिएट किए गए हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से

ओके एंड मूविंग एंड द कलरिंग कलर चेंजिंग वीडियो गेट सम तो आपका जो रियल टैटू है उसके ऊपर एक कलर चेंजिंग एंड मूविंग वीडियो क्या होगी उसके उसके सरफेस पर वो क्या कर देगा उसको ऐड कर देगा सप्लीमेंट कर देगा ठीक है therefore it is not the tattoo changing color but it is a virtual image of the video तो so, यहाँ पे tattoo नहीं color change कर रहा है यहाँ पे virtual image create हो रही है एक virtual video create हो रही है right with the help of augmented reality जो क्या कर रहा है tattoo को move कर रही है और tattoo का color changing uh, appearance दिखा रही है आपको ट ओवर द रियल ऑब्जेक्ट ओके तो यहाँ पे रियल के ऊपर होता है जो आपकी डिवाइस पे uh, आता है लेकिन आपको उसको कहा सर्च करना होता है आपको उसको अपने नेबरहुड में सर्च करना होता है आपको उसको रियल एनवायरमेंट में सर्च करना होता है ओके सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटीरियर डेकोरेशन एप

आज टू वर्चुअली इम्पोज अ पिक्चर ओवर द फिजिकल ऑब्जेक्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द चेंज डेट वी डिज़ायर वुड लुक लाइक आफ्टर गेटिंग इंप्लीमेंटेड तो यहाँ पर क्या है हमारे पास बहुत सारी ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप्स हैं जो क्या है? हेल्प करती है हमें ये दिखाने में जो हमें ये दिखाती है कि अगर हमने फ़र्नीचर चेंज किया या उसका सेटअप इस डिफ़रेंट तरीके से किया या वॉल का कलर चेंज किया तो वो आ, हमारा जो हाउस का अपेरेंस है वो कैसा होगा हमारा घर कैसा लगेगा ओके दिस प्रोवाइड अस विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई ऑल अवेलेबल कॉम्बिनेशन एंड चूज़ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ठीक है जिससे हमें क्या पता चलता है उस एप्स के थ्रू हमें हमारा घर दिखाई देता है तो क्या हमारा जो एग्जिस्टिंग हाउस है उस फर्नीचर के ऊपर एक वर्चुअल पिक्चर्स uh, क्रिएट हो रही हैं फाइन ओके एशियन पेंट्स आई क्यू प्लेस एसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड इंटीरियर डेकोरेशन एप्स ओके तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे कुछ uh, जो पेंट्स uh, uh, की कंपनीज हैं उन्होंने ये क्या ये एप्स प्रोवाइड किए जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो आप वर्चुअली देख सकते हो कि आपका अगर कोई भी आप वॉल पर कलर चेंज करते हो तो आपका uh, जो घर है वो कैसा लगेगा

ओके नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गूगल क्लास गूगल क्लास इज अ गैजेट दैट इलिमिनेट्स द नीड टू कंटिन्यूसली होल्ड अ सेल फोन इन हैंड इन ऑर्डर टू ऑपरेट इड ठीक है गूगल क्लास की हेल्प से क्या है कि आपको अपने uh, हाथ में फ़ोन को नहीं रखना है इट अलाउज़ अर टू एक्सेस द फ़ोन वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ वॉइस कमांड्स एंड जेस्टर्स आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आपका जो फ़ोन uh, का डिस्प्ले है वो अपीयर हो जाएगा वर्चुअली ऑन द वॉल आप अपनी वॉइस कमांड से उसको हैंडल कर सकते हो ठीक है ओके एंड

आपकी फोन की पिक्चर अपीयर हो जाती है कम्पलीटली ओके एंड यू कैन ऑपरेट यूर फोन विद द हेल्प ऑफ वॉइस कमांड्स ओके एंड आप अपने वॉइस की हेल्प से कमांड्स की हेल्प से अपने फोन को ऑपरेट कर सकते हो यहाँ पे आपको फोन को होल्ड करने की जरूरत नहीं है आपके फ्रंट में आपका फोन का पूरा डिस्प्ले आ जाएगा फाइन

Street View is an upgraded feature of Google Maps that allow us to move a step further in the direction of the advancement. To यहाँ पे हमें क्या मिलता है Street View मिल जाता है हमें एक छोटी-छोटी street का पूरा कंप्लीट वो मिल जाता है, right Google Maps पर. With the help of Street View, the direction, laws and making uh, markings can be seen. लाइव इन फ्रंट ऑफ अस इट मेक मेक्स यूज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी टू सुपर इम्पोज द इन्फॉर्मेशन ओवर द रियल ऑब्जेक्ट ओके तो यहाँ पे क्या है स्ट्रीट व्यू जो है वो एक छोटी से छोटी गली का आपको पूरा क्या, क्या मिल रहा है पूरा व्यू मिल रहा है वो किसकी हेल्प से मिल रहा है वो रियल चीज है जिसको जिसको वर्चुअली आपके पास प्रेजेंट किया जा रहा है फाइन तो गूगल स्ट्रीट व्यू क्या है ये इट इज अग्जाम्पल इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल रियलिटी ओके तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं